ऐसा लगता है कि इसराइल पर अमेरिकी चेतावनियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो रफा में कत्लेआम जारी रखेगा। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी कि वो गाजा में दक्षिणी शहर राफा पर आक्रमण न करे और यदि वो ऐसा करता है तो अमेरिका उससे अपना समर्थन वापस ले लेगा। अमेरिका की इस चेतावनी पर इसराइल ने उसे चेतावनी दी कि अमेरिका को अपना समर्थन वापस लेना है तो ले ले, लेकिन इसराइल हमले बंद नहीं करेगा, वो हमास को खत्म करके ही मानेगा। सारी चेतावनियों को किनारे करते हुए इसराइल लगातार राफा के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ता जा रहा है। उसने राफा पर भयंकर हमला भी किया है। इसके अलावा इसराइल ने उत्तर में गाजा शहर में भी घुसपैठ शुरू कर दी है। अभी तक माना जा रहा था कि इन क्षेत्रों को इजरायली कब्जे वाली सेना ने साफ कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर इजरायली सेना और गाजा के लड़ाकों के बीच टकराव शुरू हो गया है। इन इलाकों में रॉकेट लॉन्चिंग और सैन्य अभियान तेज हो गया है। इन हमलों में 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई अन्य इजरायली हताहत हुए हैं। इन हमलों की आंच गाजा शहर के केंद्र में अल सबरा और अल जिटोन तक पहुंच गई है, जहां इसराइल और गाजा के बीच हमले जारी हैं। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया। अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने राफा और गाजा में इजरायलियों और उनके सैन्य हथियारों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। दरअसल जिस तरह से इसराइल अमेरिका की चेतावनियों और हमास के सीज फायर की बात मानने को अनदेखा और अनसुना करते हुए हमले कर रहा है, उसी तरह हमास ने भी इसराइल को जवाब देने की अपनी योजनाओं को और मजबूत किया है और कई अलग अलग गुट के लड़ाकों को उसने अपने साथ शामिल किया है और ये सभी मिलकर इसराइली सेना पर हमले कर रहे हैं। इन गुटों की बात करें तो इनमें अल कुद्स के अलावा अल कसम, अल अंसार ब्रिगेड के लड़ाके अलग अलग क्षेत्रों में इजरायली सेना और उसके सैन्य हथियारों को निशाना बना रहे हैं। अल कसम लड़ाकों ने अल जिटोन में एक इजरायली मरकवा 4 टैंकों को नष्ट कर दिया। उसी इलाके में एक स्नाइपर ने एक इजरायली अधिकारी को गोली मार दी। इन लड़ाकों ने गाजा शहर के ऊपर उड़ रहे एक इजरायली हेलीकॉप्टर को सतह से हवा में कंधे से मार करने वाली मिसाइल से उड़ा दिया। दूसरी तरफ अल कुद्स और अल कसम ब्रिगेड ने मिलकर पश्चिम की तरफ बढ़ रहे इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों को निशाना बनाया। अभी भी इजरायल और गाजा की तरफ से लड़ रहे ब्रिगेडों के बीच हमले जारी है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अब अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर इसराइल कमजोर पड़ता दिखता है तब अमेरिका क्या कदम उठाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को हमला न करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि इसराइल नहीं मानता है तो वो इसराइल को हथियार देना बंद कर देगा, और इसराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी।